हेलो दोस्तों, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा के न्यू थार के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की न्यू जनरेशन महिंद्रा थार ऑफ रोडर SUV की लोकप्रियता में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। भारतीय बाजार में यह महिंद्रा की जबरदस्त हिट SUV बन गई है। महिंद्रा की इस लाइफ स्टाइल SUV के दीवानों को इसे खरीदने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बावजूद इसके इसकी बुकिंग का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले महीने अप्रैल में महिंद्रा थार SUV के 50,000 यूनिट की बुकिंग हासिल करने का ऐलान किया था। हालांकि कंपनी ने अब कहा है कि थार की बुकिंग 55,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर गई है। बता दें कि महिंद्रा की न्यू जनरेशन थार SUV को पिछले साल 2 अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। सिर्फ 8 महीने के अंदर ही SUV ने सफलता की नई ऊंचाइयां छुई है और बहुत सारी बुकिंग हासिल की है। इस SUV की इस समय वेटिंग पीरियड करीब 10 महीने है, यानी ग्राहकों को इस SUV को खरीदने के लिए कम से कम 10 महीने तक का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। महिंद्रा का कहना है कि उसने वेटिंग पीरियड को कम करने और बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करने के लिए नासिक प्लांट में उत्पादन क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आखिर इस SUV की क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ऑल न्यू महिंद्रा थार के डिज़ाइन की बात करें तो एक तरफ से इस SUV के डिज़ाइन में एक नेक्स्ट लेवल का बदलाव देखने को मिलता है, जिससे यह ग्राहकों के बड़े वर्ग को अपील करती है। इस SUV के डायमेंशन काफ़ी बड़े हैं, जो खरीदारों को अपनी ओर खींचती है। बड़े व्हील आर्च के साथ बॉडी क्लैंडिंग और रिफाइन लाइसेंस से नई थार बड़ी और आकर्षक दिखती है। फिर भी इसका ठेठ जीप सल्यूट का लुक बरकरार रहता है। इस SUV का ग्राउंड क्लियरेंस 226 mm है, जो कि काफ़ी ऊंचा है, और इसके 18 इंच के रिम से इस SUV की सड़क पर इतनी शानदार मौजूदगी है जिसकी फिलहाल किसी दूसरी गाड़ी से तुलना नहीं की जा सकती। SUV की फ्रंट में एक नई चौकोर काले रंग की ग्रिल है, गोल हेडलैम्प और एक विशाल बम्पर दी गई है। कार के साइड में ट्रेडमार्क बॉक्सी डिजाइन और बड़े ORVM मौजूद हैं। इसके रियर में हार्ड टॉप, फिक्स सॉफ्ट टॉप और रिमूवेबल सॉफ्ट टॉप जैसे ऑप्शन मिलते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी को भी चुन सकते हैं। इसमें एक ग्रेट माउंट व्हील और SUV को भारी भरकम लुक देने के लिए एक बड़ी रियर विंडो मिलती है। अब सबसे खास बात, थार एक मशहूर विदेशी SUV जैसी दिखता है, लेकिन महिंद्रा थार की जीप के साथ साझा इतिहास और जुड़े 7 दशक पुरानी है, इसलिए यहाँ चोरी का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। कुल मिलाकर नई थार बाजार में उपलब्ध सबसे बेहतरीन SUV में शुमार है और पिछले जनरेशन मॉडल से इसमें जबरदस्त बदलाव किया गया है। इस SUV का एक्सटीरियर जितना शानदार है, इस लिहाज से इसकी केबिन भी किसी मायने में कम नहीं है। न्यू महिंद्रा थार की क्वालिटी और डिजाइन पिछले मॉडल से कई हजार साल आगे की बात लगती है। इसमें वो सब कुछ है जो आप एक शहरी SUV में चाहते हैं। इसका थीम सिल्वर एसेंट के साथ साथ ऑल ब्लैक, इसके फिटिंग और फिनिश से लेकर इक्विपमेंट और डिजाइन तक आप पाएंगे कि थार को इतनी पसंदीदा और एक शहरी SUV बनाने के लिए महिंद्रा ने कितनी मेहनत की है। इसमें 6-सीटर और 4-सीटर लेआउट मिलता है और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल के साथ 7 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर मिलते हैं। इस SUV को 2 वेरिएंट AX और LX के साथ पेश किया गया है और ग्राहकों के एक बड़े वर्ग को लुभाने के लिए इसमें बहुत सारे पावर ट्रेंस गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं। पहली बार महिंद्रा थार में पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 2.0 लीटर यूनिट है जो 152 BHP का पावर जनरेट करता है, जबकि 2.2 लीटर डीजल यूनिट 132 BHP का पावर जनरेट करता है। थार के साइज को देखते हुए इसमें मिलने वाले पावर ट्रेंस को काफ़ी पावरफुल माना जा सकता है। दोनों इंजनों में AX वेरिएंट के साथ 6-स्पीड मैनुअल मिलता है, जबकि LX वेरिएंट में दोनों इंजन ऑप्शन के साथ 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी मिलता है। हालांकि पेट्रोल LX वेरिएंट में कोई मैनुअल गियरबॉक्स नहीं दिया गया है। ऑफ रोड ड्राइव की जरूरतों के हिसाब से महिंद्रा 4X4 ड्राइव ट्रेन और कम रेंज वाले गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दे रहा है। इस SUV की सुरक्षा की बात करें तो 2020 थार में 2 फ्रंट एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। साथ ही नई महिंद्रा थार में ABS के साथ EBD, EASP, TPAMS, हिल स्टार्ट जैसे कई फीचर मिलते हैं। ऑफ रोडिंग से प्यार करने वाले लोगों के लिए इसमें एक रोल केज भी मिलता है। इतना ही नहीं, थार को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ ऑफ रोडर में बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया है। इसमें इंटरनल वाइप डाउन और टायर की दिशा बताने वाला मॉनिटर भी दिया गया है। न्यू थार SUV को हाल ही में वैश्विक सुरक्षा रेटिंग एजेंसी ग्लोबल ANCAP द्वारा किए गए सुरक्षा क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग मिला है, जिसके बाद इसको और बढ़ावा मिला है। महिंद्रा थार 2020 को ग्लोबल ANCAP के सुरक्षा के नए क्रैश टेस्ट दौरान भारत के लिए सुरक्षित कार में एडल्ट और बच्चों दोनों के लिए 4-स्टार रेटिंग मिला है। महिंद्रा थार SUV कार की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 12,11,000 रुपये से शुरू होकर
टॉप एंड मॉडल के लिए 14,16,000 रुपए तक जाती है। तो दोस्तों ये थे ऑल अबाउट न्यू महिंद्रा थार के बारे में, और ऐसे ही बाइक रिलेटेड या कार रिलेटेड न्यूज या वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। या सबसे पहले आप जानना चाहते हैं कोई भी बाइक रिलेटेड या न्यूज रिलेटेड अपडेट, या कौन सा बाइक लॉन्च होने वाला, कौन सा अपकमिंग बाइक है, या कौन सा अपकमिंग कार है, तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट या स्टोरी में अपना डाल देता हूँ कि कौन सा बाइक का क्या कुछ अपडेट है या कौन से कार का क्या कुछ अपडेट है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है राइड विद बाइक रजा, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे एक क्लिक से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।